बहुत से लोग ना, मैं आज वीडियो डाली तो उसमें कह भी रहे थे कि भाई सॉफ्ट टॉप अच्छा नहीं लग रहा, तो और ये कितना खतरनाक काम हो गया है। बिल्कुल बैठा नहीं हुआ था, पीछे नहीं थार अपनी एकदम रेडी हो गई है, शूट है, मतलब पता नहीं क्यों पर मुझे मजा आ रहा है ऐसे सब चीजें पहली बार नई नई सी देख रहे हैं। और स्टार फिलहाल ये रही हमारी गाड़ी जो फंस गई है। अच्छा देखो टायर वायर जो है घुस गया अंदर, चली तो थोड़ी सी अंदर गई है। हेलमेट कैमरा ये सब देख के आप समझ रहे हो, तो मैंने आपको बताया था ना कल परसों मुझे बाइक का वो आया कॉल कि भाई सर्विस करवानी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस करवाने, लेट हो गया हूँ, तो सीधा मोटर व्लॉग से शुरुआत करते हैं और बताता हूँ कि आपको सीन क्या है सारे। एक तो क्या है इसको 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, और अब इसमें ना एक दिक्कत भी आती है। दिक्कत ये है, ये स्टार्ट किए ना अभी नहीं होगी, कभी कभार ये अपने आप बंद हो जाती है, ये देखो बंद हो जाती है, यो इसको नहीं होना चाहिए, इसलिए भी मुझे सर्विस करवाने का ज्यादा वो हो रहा है कि आखिर इसमें इशू आ क्या रहा है। एक्चुअली रोहन भाई गाड़ी ले गए थे तो वॉश करके अब वो ला चुके हैं, तो अब आपको गाड़ी की जो फाइनल लुक है वो हम दिखा देते हैं। बहुत से लोग ना, मैं आज वीडियो डाली तो उसमें कह भी रहे थे कि भाई सॉफ्ट टॉप अच्छा नहीं लग रहा, सॉफ्ट टॉप अच्छा नहीं लग रहा। यार नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, अगर हॉट टॉप रिमूव किया तो सॉफ्ट टॉप रिमूव कर सकते हैं, पता नहीं ये कब कंप्लीट होने, तो चलो कोई मसला नहीं है। कि मैंने अंदर से भी रोहन भाई को कहा था वॉश करने के लिए, अंदर से कुछ इस तरह की जो फील है वो आती है। हॉट टॉप और सॉफ्ट टॉप क्या फर्क है मैं आपको वो जो मेनली है बताने वाला हूँ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सॉफ्ट टॉप है ना, इसमें आपको स्पेस जो है वो ज्यादा फील होती है, मतलब ऐसा मेरे को मतलब छत से। आज क्या है कि सारे कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिले हम हो चुके हैं, कैमरा के एंगल का भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसा है एंगल, ठीक है गलत है, ये छोटी छोटी चीज़ें यार। देखो भले ही ये बाइक मैं नहीं चलाता हूँ, बहुत कम चलाता हूँ, मतलब मैंने पिछले 6-7 महीने में 1500 भी नहीं चलाई है, बट यार बड़े मेहनत और बड़े पैसों के साथ ली है, सर्विसिंग में रिकॉर्ड खराब हो जाए तो फिर इशूज़ भी आते हैं ना, इसलिए सर्विस गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो कहते हैं ना लेनी तो आसान है बस खड़ी खड़ी खर्चा मांगती हैं, वही सीन है इनका। चलो ठीक है अभी मैं सीधा निकल रहा हूँ KTM के वहाँ, बिकॉज मुझे वापस आके वीडियो, और अपनी थार जो है हमने वो टॉप कर रखी है, वो मैंने रोहन भाई को सुबह बुलाया, मैंने कहा यार आप ले जाओ इसे वॉश करो, और देखते हैं अभी लीकिंग वीकिंग उसमें होगी नहीं होगी, बड़ी सारी चीजें हैं जो मुझे चेक करनी थी, बट क्या है कि मैं अब क्या क्या चेक करूं क्या क्या छोड़ूं, अकेले मेरे से हो नहीं पा रहा है इतना, तो फटाफट सीधा पहुंचता हूं KTM के सर्विस सेंटर, देखते हैं इसका कितना खर्चा आता है, क्या इसका जो इशू है जो बार बार बंद हो रही है। एक तो क्या है बाइक तेज चलाने में डर भी लगता है, ये टाइम बचाने के चक्कर में ज्यादा मसला ना हो जाए कि तेल बदलवाना पड़ेगा अभी, जब भी किसी काम के लिए जल्दी हो ना फिर आपको ऐसे ही डिले होता है, अभी इसमें तेल बिल्कुल खत्म है, तो अब मैं यहाँ नीचे वाली साइड आ गया हूँ, जो पेट्रोल पंप है ना यहाँ से डलवा लेंगे, काम बहुत से है। मुझे ऐसा लगता है मेरी मैनेजमेंट में दिक्कत है, जब मेरा लाइफ स्टाइल ही वैसा है इसमें मैनेज होगा ही ऐसे, कुछ तो गड़बड़ है। पहुँच गया जी पेट्रोल पंप, नहीं वो पाओ नॉर्मल ठीक है ये पाओ। गाइस लेट हो रहे हैं इस टाइम, पावर नॉन पावर का कोई मसला नहीं है, चलो यार गाड़ी ला, कोई गल नहीं चलता ना, कितना फर्क पड़ गया ना देखना, तो चलिए जी ठीक है अपना काम तो निकल ही जाएगा। KTM पहुंच तो गए हैं बट यहाँ ऑब्वियसली टाइम तो लगना ही लगना, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो गाइस फिलहाल अपनी बाइक का नंबर भी आ ही गया है, सेकंड सर्विस होती है, या तो 5000 गाड़ी चली हो या फिर उसको 6 महीने हो गए हो, तो मेरी गाड़ी 1500 किलोमीटर चली है लेकिन 6 महीने हो गए, तो चलो देखते हैं क्या क्या सर्विस में होगा, तेल वेल तो सारा ही है जो चेंज होगा। गाइस अभी क्या है कि फिल्टर विल्टर निकलेगा इसका, थोड़ा गंदा, ये चेंज होएगा कि साफ फिल्टर चेक जो है वो डन हो गया। गाइस अभी क्या है कि टूल लगा के चेक किया जा रहा है कि सुबह सुबह ये क्यों स्टार्ट होते ही बंद हो जाती है, और यहाँ देखिए हमें मिल चुके हैं देव भाई, क्या हाल चले जी? बढ़िया ठीक हो? और ये वरुण भाई आप भी ठीक हो? तो ये भी चैनल देखते हैं, अच्छा लगा कि भाई यहाँ भी हमें कोई पहचान लेता है। मोटर व्लॉग शुरू करेंगे, गाड़ियाँ ठीक है, चलो कोई नहीं देखते हैं, अभी तो सर्विस ही करवा रहे हैं। तो गाइस ये हमारा ऑयल है, वैसे साफ सही लग रहा है, कोई गंदा बंदा तो है नहीं ज्यादा, पर निकालना तो पड़ेगा, फिल्टर फुल्टर निकल तो गया है, क्यों कुछ बोलते हैं इसको तो ये इससे टंकी साफ रहती है, गंदा आता ना। हाँ हाँ गाइस ये है इसका इंजन ऑयल, ये देख सकते हैं आप मोटूल का 40 10W50, अपनी थार में वो बड़ा कुछ और होता है 5W30 होता है 40 होता है, तो ये इसकी वो होती है थिकनेस की रेशो होती है, और फिल्टर भी आ गया हमारा, फिल्टर गीला कर लेंगे, पिंक हो गया डल गया ऑयल, सर्विस वगैरह तो हो गई है, तो एक गलती हमसे हो गई, हमने ना गाड़ी वॉश करवाने के लिए दे दी तो उसमें लग गया टाइम। अभी सीन यहाँ पे है कि यहाँ पे जो मैनेजर थे वो यहाँ से लीव कर रहे हैं और जा रहे हैं फॉरेन, तो उनको दी जा रही है पार्टी अंदर,
तो वो पार्टी चल रही है और हम सारे लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं इंतजार। इससे अच्छा बाहर ही धुलवा लेते हैं गाड़ी। पर चलो कोई नहीं, अब कोई जा रहा है तो पार्टी देना भी जरूरी है वैसे। सो गाइज, ये रहा हमारा 1865 रुपए का बिल। तो एक्चुअली मेरे को पहले भी किसी ने कहा कि आप ना बिल ये वाला क्यों लेते हो दूसरा। यार पता नहीं इनकी ऐप में फर्क है या मेरे उसमें फर्क है, वो ऐप पे रजिस्टर होता ही नहीं है, ऑनलाइन बिल आने में लगता है टाइम। फिर मैंने कहा यार दो मेरे को फटाफट भी बिल क्लियर करो और मैं जाऊँ, बिकॉज आज सुबह से निकला हुआ हूँ। चलो ठीक है, हो गया काम शाम जो भी है, तो दूसरी सर्विस भी होगी। 5000 रुपये होनी होती है, 1487 किलोमीटर है अभी। बाकी भूख शूख लगी हुई है, अभी खाना वाना खाएंगे, कमजोरी सी लग रही है। और अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, मेरी बाजू बाजू सुबह मैं निकला तो ऐसे ही था ना बिल्कुल, तभी अभी सब सड़ जाएगा मसला। चलो क्या करना गाइस, ये क्या बुला है एंडेवर, अच्छी लग रही है प्यारी। सर्विस के बाद गाड़ी खिंचती तो है, पर ज़्यादा भी फील नहीं लेना। ये अलॉयज भी आजकल ट्रेंडिंग में है एस बाइक पे, मतलब ना आप काफ़ी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, कोई भी चीज़ जाती आती नोट कर सकते हो। गाड़ी में तो जब तक फ़ोन निकालना करना तब तक तो सीन मिस ही हो जाता है। रूम पे तो वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी क्या है भूख लग गई है, तो मोहित भी रूम पे है, तो मैं सोच रहा हूँ हम दोनों के लिए ना खाना पैक करवा देते हैं, यहाँ हम रोज़ ही खाते हैं। सो गाइस अभी क्या है, जैसे मैं ना खाना लेने आया तो ये भैया को देख के ना मुझे एक चीज़ नोटिस में आई, जैसे ये जो है सबसे पहले यहाँ पे यही लगाते थे, उसके बाद ही जैसे अभी आप वो सामने भी देख रहे हो यहाँ भी देख रहे हो, तो किसी ने क्या करा है ये गाड़ी ना यहाँ पे लगा दी है, ताकि इनकी गाड़ी यहाँ पे लगती थी और ये छाया में काम करते थे, अभी देखो वो धूप में ही करना पड़ रहा है उनको। तो मतलब यार लोगों का ना मुझे समझ भी नहीं आता है, मतलब क्यों कोई बंदा मेहनत कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अपने उस पे चल रहा है तो तंग करना है। मतलब देखो ना कहाँ गाड़ी लगा दी और आज इनको कितनी दिक्कत हो रही है। चलो मैंने अभी ऐसे पूछा भी तो कह रहे पता नहीं कौन लगा गया, लाइफ है यहाँ ऐसा ही होता है। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने जो उन्होंने लगाई होगी, बट किसी ने तो लगाई है। तो अभी भैया तभी मुझे पहचान लिया, कह रहे आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो, मैंने कहा हाँ, कह रहे किसी ने बताया मुझे। एक्चुअली मैं जब कभी भी आता हूँ थोड़ा बहुत तो डालता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ। आप भी कभी आ रहे हो ना बेस्ट प्राइस के पास में है, मतलब घर जैसा खाना मिल जाएगा आपको। हमारे जैसा बंदा समझ सकता है कि घर वाला खाना क्या होता है। आंटी कॉल पे बात कर रही है, जाम लगा दो। पहुंच गए घर, इसको करो कवर और फिर करेंगे अगला काम। खाना डल चुका है, दाल अंबल और फुलके। गाइस फाइनली हमारा जो कैंट है वो इंस्टॉल हो रहा है, तो अब हम भी कैंट का साफ पानी पियेंगे। गाइस फिलहाल हो गया है कैंट हमारा इंस्टॉल, थोड़ा सा ऐसे बेचारा कांपता शांपता रहता है वो तो काम पे गई, तो अभी क्या है कि इसमें कैंडल भी इंस्टॉल कर लेंगे। कैंडल से होता है इसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो पहले ही सारी इंप्योरिटीज हमारी जो है रोक लेता है। ये देखो जी ये है कैंडल, कैंडल का मैकेनिज्म कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस ये एक तरह का फिल्टर है जो पहले ही सारी फिल्टरेशन को रोक लेगा। तो चलो निकल रहे हैं वापस, नहा धो के रेडी हो गए। तो आज क्या है अपने ना दिन का फ्लो होता है, फ्लो जो आज सुबह से ही खराब हो गया, जब KTM की सर्विस करवाने के किसी भी काम में थोड़ा सा भी डिले हो ना तो सारे के सारे मसले जो है हमारे खत्म हो जाते हैं। तो चलिए गाड़ी को अभी लगाते हैं साइड पे और इसका जो सॉफ्ट टॉप है वो खोल के दिखाते हैं और इसका एक रिव्यू देते हैं आपको कि हार्ड टॉप से सॉफ्ट टॉप करने में हमें क्या दिक्कत आई और क्या प्लस माइनस जो भी है। अब आपको जो इसका सॉफ्ट टॉप है खोल के बताते हैं। और आज की वीडियो में बहुत से लोगों ने कहा कि तरुण भाई आपने गलत किया, सॉफ्ट टॉप नहीं, हार्ड टॉप नहीं खोलनी चाहिए सॉफ्ट टॉप। देखो यार अपना काम है तो अपने को यही एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसके लिए हमने गाड़ी ली है। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो सॉफ्ट टॉप हमें लगाने में क्या क्या दिक्कत आई, कैसे लगी, वो सारी चीज़ें तो आपको बता दी है। तो यहां का पैनल है ना, एक ये पैनल अभी मिसिंग है, ठीक है। और बाकी कल हमने क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाई थी गाड़ी, तो मुझे अभी तक क्या है कि फड़फड़ का कोई उतना लगा नहीं, जो सॉफ्ट टॉप की सबसे बड़ी दिक्कत कहते हैं। सबसे पहले तो हम इसे खोल के देखते हैं कि हमें इसे खोलने में कितना टाइम लगता है और क्या ये सच में एक प्रैक्टिकल चीज़ है भी है कि जहाँ हमने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल कर दिया है। सबसे पहले तो यहाँ से ही खुलेगा, थोड़ी सी ये वाला थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कस्टम मेड लॉक्स, ये जो आपको दिख रहे हो ना ये कस्टम बने हुए हैं, क्योंकि ये कल मिसिंग हो गए थे, आए नहीं थे साथ में, तो काफी इजीली। तो गाइस पहली बार खोल रहे हैं तो दिक्कतें हमें आ रही हैं थोड़ी बहुत, उतना हम प्रॉपरली खोल नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमने जो मसला जुगाड़ा है वो कर ही लिए। ये वाला इसको इतना बंद भी रखें तो ठीक है शायद। मसला है बेसिकली इस सारी फील का जो हम लेना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने जो इसका सॉफ्ट टॉप है खोला है, इतनी मेहनत करी, सब कुछ भी है। तो चलिए आज गाड़ी पे गेड़ी बजेगी खुली हुई, कभी भी सुकून जो है वो नहीं आ सकता। हमारे वहाँ की गाय पता नहीं क्या खाती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी अभी वॉश करवा के हम लाए हैं, मैं कह रहा हूँ कहीं से छींटे वीटे तो पड़ रही हैं, ये देखो शीशे पे कहाँ से आके छींटे और यहाँ पीछे ही पड़ी हैं। अभी मुझे पता नहीं है, टायर काफी ज्यादा गंदा है, जब तक ये क्लीन होगा ये छींटे हम पे पड़ती रहेंगी। चलो क्या करना, ये जो फील है ना ये
ये सारी वो स्ट्रगल, जैसे जो लोग भी मुझे कहते हैं कि आपने हार्ड टॉप करके सॉफ्ट टॉप क्यों किया, वो इस फील को नहीं समझ सकते, तो इस फील को समझने का यही तरीका है। गाड़ी अभी दुलवा के रोहन भाई से हम लाए हैं और आगे धूल देखो आप, जो डस्ट गाड़ी के बाहर होती थी ना, अब वो अंदर है। ये हमने गलत जगह पे थोड़ी खोल लिया, तो आगे तो रास्ता ही पूरा दूसरा है। ओ यार ये क्या कर दिया। चलो अब क्या करना है, मोहित मास्क पहन ले। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, अगेन कहानी करते हुए। चलाने का मजा तो ठीक है, धूल अलग से पड़ती, कीचड़ अलग से पड़ता, गंद अलग से पड़ता है। कौन चला रहा सॉफ्ट टॉप गाड़ी? गाइस क्या चले, क्या करवा रहे हो? अरे अरे अरे, ये यूएफओ लाइट्स तो अपने को मांगता। और बताओ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है बोलने को। तो जी ये सभी भाई कहीं से लड़ाई करके आ गए हैं। गाइस ये देखो, ये लड़ाइयां नहीं किया करो गाइस, ये लड़ाई की होती तो मेरी बुरी हालत होती, गाड़ी की नहीं बुरी हालत। नहीं नहीं, लड़ाई करके उन्होंने बंदे को मारा ना, तो बंदे को बाहर चारा गोए चढ़ा, उसने दूर से पत्थर, उसने दूर से पत्थर मारा, तो ये मसला हुआ है। तो एक्चुअली कहीं आते आते पत्थर लगा दूसरी गाड़ी से निकल के, और ये कितना खतरनाक काम हो गया। तो अगर कोई बैठा नहीं हुआ था पीछे, नहीं तो ये कितना रिस्की है, मतलब सोचो अगर कोई बैठा हो तो ये सारा। तो ये क्या, साथ में जो गाड़ी चल रही थी ना, उसमें से पत्थर उछल के गिरा, जैसे ऐसे साइड पे पत्थर पड़ा और टायर गुजरता है तो पत्थर उछलता है ना, ये वो पत्थर उछला। और देखो हाथ से नहीं करो, ये कांच हो जाएगा, मसला हो गया। चलो जी बच गए, कोई पीछे बैठा नहीं था। तो अभी क्या है कि हमने जो नट है वो फिट कर दिया है, तो अब हम जो इसका सॉफ्ट टॉप है वो बंद कर रहे हैं। पूरा दिन हम सॉफ्ट टॉप लगाते हैं, हार्ड टॉप लगाते हैं, हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है ये हमें भी पता नहीं है। यहाँ तो So guys, फिलहाल हमने अपना सॉफ्ट टॉप बंद किया, ये बंदा आधा घंटे से हमें देख रहा था, लेकिन हमारी मदद करने नहीं आया। क्या आपने बोला? आपने बोला ही नहीं। अब मुझे आपने एक बार बताना है, आप इसका ड्रेसअप देखो और बताओ कि ये कहाँ गया होगा। मैंने इसको पूछा, मैंने कहा कौन सी पार्टी अटेंड करके आया है, कह रहा ट्यूशन गया था। अब ट्यूशन में भी ज्यादा बढ़ते है ना, अच्छे से बच्चे जूतों की नोक देख रहे हो, ये क्या बोलते हैं इसको, बेल बटन कौन सी लाया? हरुण भाई की गाड़ी हो चुकी है एकदम तैयार, ये ऑन करना है यूएफओ लाइट्स ना, सारी करो। क्या बात है। अच्छा ये हेडलाइट्स भी जो है इन्होंने, ये भी कोई ड्रैगन स्टाइल है, और ये देखो इनका थ्रो बढ़िया है। अंदर भी कुछ करा है, टरबाइन एसी वेंट्स, ये आप देख सकते हो, इनमें भी लाइट जलती है, बढ़िया लग रहा है। गुड शो, अभी बारिश आ गई है, निकल रहे हैं, ये भी हम भी निकलेंगे थोड़ी देर में, बढ़िया लग रही है देखो। मौसम इतना सुहाना था कि कुछ भी ना शूट करने का मन किया, अपना सही हो गया ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। हवा चल रही है इतनी ठंडी ठंडी, मस्त गाने बजा के जा रहे हैं अभी घर, तो सीधा चलते हैं घर ही और आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। यही है जी सीन, अभी पहुंचे थे घर और ये देखिए हमारे हाथ में क्या है, ऐसी रेस दे तो चल। तो ये है जी ओला और ये है हमारे अर्चित भाई। तो बस ये ओला लेकर आ गए थे हमारे पास, फिर हमने कहा चलो जी हम भी एक ओला की टेस्ट राइड लेंगे, बट एकदम भयंकर चीज है ये, मतलब स्पोर्ट्स मोड में तो इतनी भागती है क्या बताऊं मैं। कितने की? 1,14,000 की, महंगी है थोड़ी सी। आजकल तो शायद स्कूटियां भी इतने की आती हैं। आपका क्या नाम है? इलेक्ट्रिक स्कूटी में गाने भी लगते, स्पीकर कहाँ? ये भयंकर चीज है गाइस, भयंकर चीज। और गाइस इसमें ना अलग अलग आवाजें भी आती है, मजेदार चीज है ना। डिस्क ब्रेक दोनों है? हाँ दोनों ब्रेक, पार्टी मोड है, गाना लगाया ना तो डबल बार ये करना ना, गाने के साथ साथ बीट करेगा, सिंग करेगा। तो गाइस फिलहाल का सीन ये है, घर पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट, जो आज का दिन वो खत्म हो चुका है, लेकिन रात को हमें एक काम पड़ गया है। तो आकाश जो है मेरे साथ जा रहा है, क्या हाल चाल है? तो शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, आकाश जो है वो मुझे एज अ बाउंसर भी प्रोटेक्ट करता है सब लोगों से। तो ये इसलिए मैं इसको साथ लेके जा रहा हूं, बिकॉज रात के टाइम में अकेले निकलना बिल्कुल भी इस टाइम खतरे से खाली नहीं है, और जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि खतरे से खाली नहीं है। बाउंसर का साथ मिलना जरूरी है। चलो मालिक, बाउंसर का मालिक सब कुछ यही है, देखते हैं अभी आपको अगर वो काम हमारा होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और वो भी रात को। जी काम कुछ ज्यादा ही गलत है, तो एक बाउंसर तो है, एक और बाउंसर मैं उठा रहा हूँ, वो थोड़ा सा आस्ता आस्ता आ रहा है और गलत सीन चल रहे हैं आजकल। 7 फीट का बाउंसर एक और आ गया। हाय गाइस, हाउ आर यू? बस बढ़िया। और बाउंसर अंग्रेजी बोलता है। चलो जाऊंगा कैसे, वो छोड़ो, ये क्या है, ये मैं लग रहा हूँ ना, ये तो आप तरुण भाई ये प्रिपेयर हो गया है, ये मसला पता नहीं क्या है। चलो गाइस बताते हैं, अगर आपको होता है पिछले कोई तीन चार महीने से नहीं, वैसे पिछले कोई 1.5-2 महीने से मैंने अपनी एम्बियंट लाइट्स का कलर चेंज नहीं किया, ये लड़के बैठे कह रहे नहीं फील नहीं आ रहा, बदल दो, तो ये वाली इन्होंने सेलेक्ट किया, मैं क्या करूँ। ये देखो ब्लिंक भी कर रही है, शनशन भी हो रहा है, ये लंबे लोगों के लिए नहीं बनी है गाड़ी। ये हम रात को अपनी सीक्रेट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आकाश ने साहिल को बोला कि चुप कर जा भाई, व्लॉगिंग चल रही है। अभी हमारे जो बाकी के क्राइम पार्टनर्स हैं वो सारे आने वाले हैं, तो फिर हम बताते हैं कि हमारा जो अभी क्राइम है वो हम कौन सा। झाड़ियों से आवाज आ रही है,
दूसरी पार्टी आ गई है, तो अब आगे का सीन आपको बताते हैं। चलो चलो लोकेशन पे चलो। तो जी ये है हमारा क्राइम पार्टनर, पीछे से हॉर्न ऐसे बजा, पहुंच गए हैं लोकेशन पे, मिलवाते हैं आपको सबसे। ये देखिए जी हमारे सुपरस्टार, क्या हाल चाल है? सुपरस्टार क्या? और नहीं नहीं ठीक ठीक बढ़िया, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो? हाँ जी अर्जुन भाई ठीक हो? क्या हाल चाल है जी? क्या डराते शराते रहते हो गाइस? अभी इन्होंने ऐसा हूटर बजाया, ये वीडियो में डालना था कि नहीं डालना था? इनका डाल सकते हैं, आपका हूटर डाल सकते हैं, आप हूटर डाल सकते हो, बजा सकते हो ना, हम नहीं बजा सकते। क्या मसला? आपका दूसरी बड़ी वॉकी डॉकी है ना हमारे पास, छोटी छोटी वाली। कोई गल नहीं। तो गाइस यही मैं आपको भी बता रहा था कि यहां जो क्राइम सीन है वो क्रिएट होने वाला है, तो बताते हैं आपको क्या सीन। पूरा शूटिंग का जो है सेटअप लग रहा है, और ये हमारे स्टार जो है लीड करेक्टर जो है आ चुके हैं। तो हमने कहा यार देखो हमें मैनेज करे, भाई ने ऑडी ले ली, मैंने सोचा हम भी कुछ मतलब छोटी मोटी, मतलब 25-25 लाख का मोटरसाइकिल, सारी गाड़ियों को मिला के उतनी कीमत नहीं है, तो चलो थार है अपने पास, इसे भी थोड़ा सा फीचर करते हैं ना, अच्छे से फीचर करना है ना। अब क्या कि मैं ना सारी चीजें खुद भी देख रहा हूँ कि जैसे गाने का शूट कैसे होता है, तो अभी जानू भाई जो है वो कपड़े चेंज करेंगे। स्मॉल टाउन राइडर भाई का सॉन्ग है नेक्स्ट लेवल। हाँ नेक्स्ट लेवल, उसको गाना निकालना नेक्स्ट लेवल। चलो जी वो तो देखेंगे अभी। रोशनी की जरूरत होगी अंधेरे में कैसे करोगे? तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये वो गाने के लिए दारू तैयार हो रही है, दारू फील कर रहे हैं। ये देख लो ये गाने के शूट के लिए जो है गोल्ड लेवल, मतलब ब्रांडेड दारू पीने का मसला है असर है। दारू ब्रांडेड क्या बात है, ये मेरे को भी था कि शूट में क्या असली की दारू होती है, ये हर शूट में ऐसा ही होता है कि ऐसा ही होता है ना, कोई दिखाता नहीं है, पर होता है सही है। अच्छा दो एपी लगेंगी, तीन भी लग सकती है, इमोशन जब बाहर निकल जाए तो कुछ भी हो सकता है। क्या है कि गाड़ियां दोनों लगेंगी, मेरे वाली भी उनके वाली भी, और ठीक है आज से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये है अभी पहली बार चलाने वालों में इनकी स्कॉर्पियो भी, स्कॉर्पियो में हमेशा फील रहती है। ओह और सबसे बड़ी बात फील का तो अलग सीन है, ये गाड़ी मैनुअल। हाँ जी बैग वैग सारे शूट के हिसाब से देखो, शूट यार बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ना। चलो जी ले तो आए आगे तक, और स्कॉर्पियो चलाने में एकदम मस्त है, गुड शो। हैंड ब्रेक तो कितनी स्मूथ है, थार अपनी एकदम रेडी हो रही है शूट है, मतलब पता नहीं क्यों पर मुझे मजा आ रहा है ऐसे सब चीजें पहली बार नई नई सी देख रहे हैं, और स्टार दारू की बोतल हाथ में। भाई आपके ने इसमें ना लाइटर लगाया, भाई बोतल फटने वाली थी, पता कैसे बचाऊंगा, हाथ फट गया था मेरा। अच्छा शराब से पंगे नहीं गाइस। तो गाइस सीन हो चुका है रेडी एकदम, तो ये हमारे विक्रम भी है, ठीक है ये भी जम्मू से, ये पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं कैसे क्या सीन है। हाँ भाई जी कैसा लग रहा है यार? लग ही रहा है मेरा, मेरे गाने का गाने मेरी एक्टिंग, मेरी एक्टिंग नहीं दिखती, मेरी सिर्फ गाड़ी दिखनी है। इतना जज्बात में काहे बह रहे हो? टेक टू, टेक 32 आओ। ये तोड़नी नहीं है कि नहीं तोड़ेंगे, तीन चार शूट होंगे और फिर ठीक है, फिर जी हमारा भी गाना शूट करना है विक्रम जी आपने, ठीक है पक्का जी। अच्छा साथ साथ में चेक अपने व्लॉग का, तो हम रात को ही करते हैं चेक, इधर साथ साथ में ही हो रहा है शूट करना था, और मतलब जबरदस्ती रोया, कुछ खतरनाक चीज सोची होगी जिसपे रोना आया होगा। बड़ा गाना शूट करना बड़ा औखा काम है गाइस, मेरे देखते देखते 5-6 टेक तो हो गए। बोतल को टंग कितनी टूटी है, ये कैसी बोतल थी, ये की साइड से टूटी है गाइस। चलो कोई नहीं ठीक है, ओके डन साइड कर दे। हां साइड कर दो नहीं तो कल हर तरफ एपी एपी हो गई है। सो गाइस फिलहाल क्या है कि वीडियो शूट हो चुकी है, तो चले हैं अब घर की तरफ। तो इसी के साथ खत्म होता है आज का दिन, उम्मीद करते हैं दिन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो पता ही है आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब आज क्या है कि छुट्टी वाला दिन था, तो व्लॉग्स व्लॉग जिस दिन छुट्टी होती है मैं शूट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर अचानक से हमें आ गई है कि रिकवरी की कॉल, पहली बार विंच जो है हमारी आज टेस्ट होने वाली है, रिकवर करने वाले हैं, तो चलो कोई नहीं दिखाते हैं आपको कैसा हमारी विंच जो है वो परफॉर्म करती है। फिलहाल ये रही हमारी गाड़ी जो फंस गई है, अच्छा देखो टायर वायर जो है घुस गया अंदर, तो चलो फटाफट से करते हैं इसको रिकवर, ठीक है मैं पहले पूरा जायजा ले लेता हूँ, और पहली बार जो मेरी विंच है वो भी लगने वाली है। चलिए तो थोड़ी सी अंदर गई है, तो देखते हैं कैसे होगा। ये इतना साउंड क्यों कर रहा है, पता नहीं क्या चीज साउंड कर रही है। बस 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 रोक दो, हमारा जो आगे का कुंडा है वो है नहीं है, तो साइकिल से काम चलाना पड़ेगा। बस चलो जी
for a bet.